ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है आज के समय में इस पर बात करने की। ये तो पुराने बाबा आजम के जमाने की बात हो गई, लेकिन क्या वाकई आज के समय में इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। घूंघट माँ को रिवाज है और रिवाज निभाबा की जिम्मेदारी तो लुगाया की ही होवे। वो बिन कुछ कहे सब कुछ संभाल लेती है, चाहे वो किसी और के हिस्से की जिम्मेदारी हो या उसके हिस्से का दर्द, सब कुछ। और हमेशा से सबने उसकी परवरिश भी तो कुछ ऐसे ही की कि सारी घुटन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। और धीरे धीरे ये खून में शामिल हो गया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसे पड़ता है वो जाति से अलग बदचलन करार कर दी जाती है। राजधानी की सड़कों पर दौड़ती आधुनिक गाड़ियां और लगातार अपडेट होते जयपुराइट्स, लेकिन क्या वो वाकई अपनी सोच में उतने अपडेट हो पाए हैं? तो इस बार फर्स्ट इंडिया की एक कोशिश घूंघट जैसे मुद्दे पर राजधानी की आधी आबादी की सोच टटोलने की, आइए चलते हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार एक कोशिश कर रहा है आम से दिखने वाले खास मुद्दों पर बात करने की, इसलिए हमने एक प्रयास किया चकाचौंध और विकास का दम भरने वाली राजधानी की सोच टटोलने का। दर्शकों, फर्स्ट इंडिया लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ वजहें हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि महिलाएं खुद, आधी आबादी खुद उन रवायतों से मुक्त नहीं होना चाहती। कहीं ना कहीं ये रवायतें उसकी नसों में बस गई है और वो अपनी आज़ादी को खुद ही स्वीकार नहीं करना चाहती। आज हमारे बीच में यहाँ 3-4 महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम राजधानी के बजाज नगर क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ ये महिला हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने, इतनी इनकी उम्र है, अब फिलहाल इनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है और इनकी उम्र काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी इन्होंने घूंघट कर रखा है तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये घूंघट क्यों करती है। मैम, घूंघट हमारे ससुराल है, इसलिए ससुराल में तो घूंघट करना ही पड़ता है। ससुराल में घूंघट करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप शहर में रहती हैं, शहर तो काफी, मतलब कहते हैं कि तरक्की का सूचक है, हाँ, राजधानी में आप रहती हैं, शहर भी नहीं राजधानी में आप रहती हैं, फिर भी घूंघट तो चलता ही है, हमारे तो चलता है, चलता है। अच्छा, ये बताइए, आपने भी कहा कि मैं ससुराल है इसलिए मैं घूंघट करती हूँ, आपके आपके हस्बैंड आपके घर जाते हैं जब आपके साथ मायके जाते हैं, तो आपके हस्बैंड घूंघट निकालते हैं? वो नहीं, तो ससुराल नहीं निकालते, कैसे निकालेंगे घूंघट? घूंघट तो औरतें ही निकालती है, घूंघट औरतें ही निकालते हैं। दर्शकों, यहाँ पे एक जवाब निकल करके आया कि घूंघट औरतें ही निकालती हैं, आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप देवी देवताओं को मानती हैं? मानते हैं ना, पूजा करती हैं? कौन सी देवी घूंघट में दिखती है बताइए? कोई दिखती है नहीं, तब फिर वो तो क्या है? अच्छा, ये बताइए, घूंघट का मतलब क्या है? घूंघट आपने किया हुआ है, इससे हम क्या समझें? रीति रिवाज ही है, हमारा तो पर्दा है, रीति रिवाज है, पर्दा है, सम्मान है, बड़ों का सम्मान है, बड़ों का सम्मान करते हैं, मतलब घूंघट दिखा करके बड़ों का। अच्छा, ये बताइए, जो औरत या जो आदमी, आदमी तो जो है घूंघट नहीं लगाते ना, तो क्या वो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं? करते हैं, वो तो सम्मान तो करते हैं। तो फिर औरत का सम्मान, औरत बड़ों का सम्मान कर रही है, ये घूंघट से ही क्यों पता चलता है? घूंघट से ही चलता है भाई, हाँ, ये औरत घूंघट वाली है, परंपरा है घूंघट की। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि राजधानी में होने के बाद भी, प्रदेश की राजधानी है ये जयपुर, काफ़ी विकसित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर महिलाओं की ऐसी सोच कि हमारी सोच है कि हमारी परंपरा है, और आदमी क्यों करेगा घूंघट, औरत क्यों करेगी घूंघट, सिर्फ गांव की बात नहीं है, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बात आधी आबादी की है, बात उसके अधिकारों की है, बात इस बात की है कि क्यों उसने रवायतों को जड़वत अपनी नसों में समाहित कर लिया है, बात इस चीज की है। दर्शकों, इस क्षेत्र की एक और महिला हमारे साथ यहाँ हमारे बीच खड़ी हुई है और इन्होंने भी लगभग घूंघट निकाल रखा है, तो इनसे हम जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कुछ सोचना है।
घर में तो करते हैं, परिवार में रहते तो करना तो पड़ता ही है घूंघट। परिवार में छोटों से रहना पड़ता है। बड़ों से करते हैं, छोटों से घूंघट नहीं करते? नहीं, छोटों से भी नहीं करते हैं, बड़ों से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। दोनों से करते हैं। ये बताइए कि जब स्टार्टिंग में आपने घूंघट करना शुरू किया था तो दिक्कत होती थी? दिक्कत तो ये थोड़े से दिन परेशानी हुई, फिर तो नहीं हुई परेशानी। फिर परेशानी नहीं हुई? कभी आपने ये नहीं कहा मुझे दिक्कत होती है मैं घूंघट नहीं करूंगी? नहीं, जो परिवार में सास ससुर ने सिखाया वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा। आपने कभी ये नहीं कहा कि अगर मैं आपको माँ बाप की तरह मान रही हूँ तो आप भी मुझे बेटी की तरह मानिए? भाई मैं अपने घर में थी तब तो घूंघट नहीं करती थी, तो अब मैं यहाँ पे क्यों करूँ? बड़ों में भी, हमारी सास भी करती थी घूंघट, तो फिर हमको भी करना ही पड़ रहा। अच्छा ये बताइए, आप अपनी बहू से निकलवाएंगी घूंघट? निकलवाती हूँ मैं, है मेरे पास बहू है। हाँ, दो है, दो बहू है, दोनों निकालती हूँ। हाँ, दोनों निकालती। मतलब आपकी सास ने आपसे निकलवाया तो आप उनसे निकलवा रहे हो? अब घर में रहते तो निकलना पड़ता है, बड़ों की आदर करना पड़ता है, जब तो बड़ों का आदर करना पड़ता है। पुरुष तो नहीं करते बड़ों का आदर, वो घूंघट नहीं करते, इसका मतलब वो बड़ों का आदर नहीं करते? औरत को तो करना ही पड़ता है ना, पुरुष करे नहीं करे हमको तो करना ही पड़ता है ना। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ से भी वही जवाब निकल करके आया कि पुरुष करे या ना करे लेकिन औरत को तो करना पड़ता है, परंपराएं औरत निभाएगी, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं। दर्शकों हम बजाज नगर के एक और घर में हैं और हमारे साथ यहाँ पे हमने सारी महिलाओं की बात तो जान ली, उनके दिल की बात तो जान ली कि ये परंपरा है घूंघट और हमें ये निभाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है, युवा लड़की हैं, ये कल जो है ये परंपराओं को आगे बढ़ाएंगी, ये जो है आगे भविष्य देश का निर्माण करेंगी, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगी, स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेंगी। इनसे हम जानते हैं कि आपका घूंघट के बारे में क्या कुछ सोचना है। घूंघट रखना वैसे ठीक नहीं है? ठीक है भी और नहीं भी है। ठीक है भी और नहीं भी है? हाँ। ठीक क्यों है और ठीक क्यों नहीं है? बड़ों का ये तो बड़ों का कहना है कि घूंघट रखना चाहिए, और हम आजकल के रखते नहीं है, आज की पीढ़ी नहीं रखती, इसलिए घूंघट नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए, घूंघट रखना चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आज आपने जो है टी शर्ट पहन रखी है, लोअर पहन रखा है, ठीक है, और कल आपकी शादी कर दी जाती है और कल आप जाते हो आपको इतना बड़ा घूंघट निकलवा दिया जाता है, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिक्कत होगी। तो फिर माथे पे तो रखना पड़ेगा ना, फिर माथे पे रखना। हाँ, घूंघट फिर भी कम रखना पड़ेगा, इतना बड़ा घूंघट नहीं रखना पड़े, कम रखना पड़े माथे, कम रखना पड़े। हाँ। अच्छा आप ये क्यों नहीं कहते कि रखना ही ना पड़े? आजकल की पीढ़ी है और ना भी रखे तो कोई वो नहीं है, आजकल की पीढ़ी है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आपके बड़े आपसे कहते हैं कि आप घूंघट रखो, ठीक है घूंघट रखिए, और आप जो है बाहर जाके नौकरी करना चाहती हैं, तो आप घूंघट के साथ कैसे करेंगे? घूंघट नहीं रखूंगी फिर तो। तो दर्शकों यहाँ ये कहना था इनका कि घूंघट चूंकि परंपराएं हैं इसलिए सही भी है, लेकिन मैं नौकरी करूंगी तो मैं तो घूंघट नहीं रखूंगी, ये भी इनका सोचना है। अब इनसे मैं एक और क्वेश्चन ये पूछूंगी कि ये बताइए, कभी ये क्वेश्चन आपने नहीं किया कि घूंघट सिर्फ औरतों के लिए क्यों होता है, आदमियों के लिए क्यों नहीं बनाया गया? हाँ ये भी सही बात है, औरतों के लिए क्यों बनाया गया ये वैसे? हाँ, और औरतों के लिए चलिए बनाया भी गया है तो लिखा कहाँ है, कौन से वेद में लिखा है हमारे कि घूंघट करना चाहिए, किस शास्त्र में लिखा है कि महिला को घूंघट करना चाहिए, बताएं? किसी में भी नहीं लिखा हुआ, किसी में नहीं लिखा ना, और अगर लिखा है तो सिर्फ औरत के लिए क्यों लिखा है? हाँ। आदमी क्यों नहीं घूंघट निकालते? हाँ। दर्शकों यहाँ पे एक महिला भी है हमारे साथ में, मैं आपको बता दूं इनका कहना है थोड़ा गुस्से में, आदमी क्यों नहीं निकालते भाई घूंघट, आप बताओ। तो आपने अपने हस्बैंड से कभी कहा नहीं कि मैं निकालती हूँ घूंघट, आप क्यों नहीं निकालते घूंघट? ये तो सही बात है, सारे परिश्रम भी औरतें क्यों करे, आदमी क्यों नहीं करते, सब कुछ औरतों को झेलना पड़ता है। हाँ। आदमी को कुछ भी नहीं, बस खाली आदमी कमा के आते हैं और घर में घुस जाते हैं। सही बात है, मर्द है ये इसलिए नहीं करते, मर्द है इसलिए नहीं करते। अच्छा मर्द है इसलिए नहीं करते, औरतों के लिए फिर क्यों किया गया? औरतों के लिए कर रखे, अब क्या करे, तो मजबूरी पुरानी पहले वाले वही चले, पुरानी परंपरा है जो पहले वाले चलाए ना वही हम चला रहे, अब आने वाला भविष्य में जाने चलाए या नहीं चले इसके हम कोई कह नहीं सकता इसके लिए। अच्छा जब आपकी शादी होकर, परंपराएं हम ही बनाते हैं ना? हाँ। परंपराएं हम ही बनाते हैं और हम ही उनको तोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई परंपरा गलत है, मान लीजिए उस वो हमारा दम घोट रही है कोई परंपरा और हम उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं और नहीं उठा रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? सही है, सही है, ये तो सही है कि गलत है?
मतलब आप आवाज उठाना चाह रही हो और आवाज नहीं उठा रही है तो सही है। यानी कि मेरे को तो कोई एतराज नहीं है, घूंघट वूंघट निकालू या नहीं निकालू मेरे तो बात बराबर है, बात बराबर मैं इतना निकाल। लड़कियों के लिए क्यों है सब रूल्स और लड़कों के लिए क्यों नहीं है? औरत बड़ों का सम्मान कर रही है ये घूंघट से ही क्यों पता चलता है? बड़ी बात ये है, इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप चूंकि युवा पीढ़ी से हैं, अब आप ही मतलब आगे परंपराओं को ले जाएंगे, आप इस परंपरा को आगे ले जाना चाहती हैं कि नहीं? नहीं, नहीं ले जाना चाहती। नहीं ले जाना चाहती। तो दर्शकों यहाँ से जवाब निकल करके आया है, ये युवा पीढ़ी की हैं और ये नई बालिका हैं और ये चाहें तो परंपराओं को बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। इन्होंने कहा मैं इस परंपरा को आगे कतई नहीं लेकर के जाना चाहती हूँ। वो हर बात तब तक बेबात है जब तक आधी आबादी के प्रति आधी आबादी का रवैया ना समझा जाए, इसलिए हमने कुछ लड़कों लड़कियों और महिलाओं से आमने सामने बात की। दर्शकों हम हैं इस समय बजाज नगर में और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं कुछ लड़कियों के साथ जो युवा पीढ़ी की हैं, कुछ लड़कों के साथ और कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे कि घूंघट को लेकर के इन सभी का क्या कुछ सोचना है। वैसे लड़कियों को घूंघट तो नहीं रखना चाहिए, जैसे कि अगले घर से बेटियां मानकर ससुर रखते तो वैसे ही बहुओं को भी बेटियां मानकर ही रखना चाहिए, तो लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। इस युवा पीढ़ी के अनुसार लड़कियों को हमेशा लड़कों के बराबर ही रहना चाहिए। मतलब घूंघट है ना निकालना नहीं चाहिए, अपनी बेटियों को रखते ना जैसे रखना चाहिए, अपनी बेटियों को रखते जैसा वैसे रखना चाहिए, और बस इज्जत करे बेटी बहुए। हाँ, घूंघटे से कोई इज्जत वो नहीं है भाई, निकाल के कुछ क्या मतलब है। हाँ। अपनी बेटियों को रखते ना जैसे रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लड़के भी खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या कुछ सोचना है, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई हस्बैंड ने फोर्स किया इस वजह से हम घूंघट कर रहे हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं है। तो इनका क्या कुछ सोचना है, इनकी सोच भी बहुत मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं, घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैम। होना चाहिए। तो फिर आप लोगों को भी निकालना चाहिए घूंघट मैम? हम अपने परिवार में रहते हैं, जो लेडीज आती है जो पीयर से ससुराल में आती है तो परिवार का फर्क पड़ता है मैम। ये बताइए कि आज तक कभी भी आपके घर में शादियां तो हुई होंगी ना, आप जब भी देखा होगा आपने लड़के जो है जब वाइफ के घर जाते हैं, मतलब जो उसका घर है मतलब मायका है, वहाँ जाते हैं तो क्या वो घूंघट निकालते हैं क्या? नहीं मैम। नहीं निकालते ना? नहीं। तो फिर औरत इस, आपने कहा अभी ना कि औरत तो इस घर में आती है तो उसको घूंघट निकालना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन ऐसे हुई क्या अभी नहीं निकालते, लेकिन पहले की तो निकालती थी मैम। क्योंकि आस पड़ोस में लोग बाग बोलते हैं क्या अभी घूंघट क्यों नहीं निकालती, लोगों की बस यही है ना क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे लोग। परंपराएं तो चल रही है जैसे चलेगी, अगर सामने बड़े आदमी है तो उनके सामने काटना पड़ता ही है वैसे भी। काटना पड़ता है। हाँ। दर्शकों यहाँ से बात निकल करके ये आई कि बड़े लोग हैं तो सम्मान के लिए काटना पड़ता है। बहुत बड़ी विडंबना है ये कि आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी सोच रखती है। कहीं ना कहीं हमने रवायतों को अपनी नसों में उतार लिया है, कमी हमारे खुद के अंदर है। जब तक हम खुद को मुक्त नहीं करेंगे तब तक आधी आबादी समाज और देश कभी मुक्त नहीं हो सकता। वास्तविक स्वतंत्रता जो है वो तभी आएगी जब हम खुद को स्वतंत्र करें, अपने दिमाग को स्वतंत्र करें, अपनी सोच को स्वतंत्र करें। दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में।